तो दोस्तों, संडे का दिन है और ये वो दिन होता है जब मैं आप लोगों की सॉल्व करता हूँ टेक क्वेरीज टेक दरबार में। तो आपका अपना टेक गुरु अभिषेक तैलंग लेकर आ गया है आपका टेक दरबार। लेट मी टेल यू वन थिंग, आज का जो टेक दरबार रहने वाला है वो काफी मजेदार रहने वाला है। तो पूरा का पूरा टेक दरबार देखिएगा क्योंकि बहुत बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं यार आप लोगों ने लगा के हैशटैग अपना टेक गुरु। और ये सब के सब सवाल मतलब इस वक्त तक का सबसे बेस्ट टेक दरबार का एपिसोड है, बिकॉज आप सबकी टेक क्वेरी सॉल्व करने में मेरे को भी बड़ा मजा आया। तो सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो पूछा है पीएम सुब्रमण्यन ने, और ये पूछ रहे हैं कि सारे ब्रांड के फोन्स जो हैं वो तो अब सिमिलर जैसे ही दिखने लग गए हैं, फीचर्स के मामले में भी ठीक हैं, सो व्हाट इज नेक्स्ट इनोवेशन। सो पीएम सुब्रमण्यम, आपके सवाल का जवाब मैं ऐसे देता हूं कि जो नेक्स्ट इनोवेशन हमें जो देखने को मिलेगी वो सर्विसेज के क्षेत्र में देखने को मिलेगी, क्योंकि स्मार्टफोन्स एक तरीके से फीचर्स के मामले में अगर हम बात करें तो हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। और इनमें छोटे मोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस होंगे, मेगापिक्सल काउंट आपका बढ़ जाएगा, स्क्रीन साइज छोटा बड़ा होता रहेगा। डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनोवेशन पूछ रहे हैं तो फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन्स नो डाउट, जिसे कहा जाए काफ़ी अच्छे तरीके से नेक्स्ट इनोवेशन उस चीज़ में होगी। और फोल्डेबल स्मार्टफोन मतलब ये सिर्फ ये जो अभी हमें गैलेक्सी फोल्ड टाइप दिख रहे हैं या मोटोरेजर टाइप दिख रहे हैं, इस तरीके के फोल्डेबल स्मार्टफोन्स नहीं, बल्कि फोल्डेबल स्मार्टफोन ऐसे कि जिसे आप पेपर की तरह रोल कर सके और स्लिम फॉर्म फैक्टर में हो, क्योंकि जो नोट फोल्ड गैलेक्सी फोल्ड जैसे जो डिवाइसेज हैं उनका फॉर्म फैक्टर काफ़ी मोटे तगड़े हैं, मोटे ताज़े डिवाइसेज हैं। तो आपको पेपर थिन टीवीज, पेपर थिन स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिलेंगे, तो ये एक इनोवेशन डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। रही बात बाकी इनोवेशन, तो वो इनोवेशन तो मोर और लेस आपको अब देखने को मिलेगी फोन्स में सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका फोन एक सेंट्रल हब की तरह काम करेगा जो इन सिंक रहेगा आपकी कार के साथ, आपके होम के साथ, सारे डिवाइसेज आप अपने फोन से कंट्रोल कर पाएंगे, तो इस तरीके की सर्विसेज होंगी। दूसरा जो इनोवेशन हमें देखने को, जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं, वो ये कि किस तरीके से आपकी बैटरी लाइफ जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा सके, क्योंकि बैटरी के मामले में लिथियम आयन बैटरी को इन्वेंट हुए हुए काफ़ी वक्त हो चुका है और उसके बाद कोई नया हमें ट्रेंड बैटरी केस में नहीं देखने को मिला, नई टेक्नोलॉजी बैटरी को चार्ज करने की नहीं देखने को मिली। तो वो एक जो चीज़ है वो एक इनोवेशन, एक बड़े काम का प्रैक्टिकल इनोवेशन हो सकता है। बट ओवरऑल नेक्स्ट इनोवेशन सर्विसेज में होगा कि किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछा है क्षितिज सोलंकी ने, और ये पूछ रहे हैं कि टॉप 5 वीडियो या फोटो एडिटिंग ऐप्स बताइए और हैशटैग मारो टेक दरबार। क्षितिज भाई, ये मारो टेक दरबार अच्छा लगा लेकिन देखिए, आज के इस एपिसोड में मैं आपको वीडियो बताता हूँ, टॉप 5 वीडियो एडिटिंग ऐप्स जो आप अपने स्मार्टफोन पर भी आप एडिट कर सकते हैं, और इनमें कुछ एक ऐप्स ऐसे हैं जिनका डेस्कटॉप वर्जन भी मौजूद है आप बड़ी स्क्रीन पर अगर एडिट करना चाहें तो एक के बाद एक मैं बताता चला जाता हूँ। आप पेपर पेंसिल पे लिख के आप रेडी रखिए, क्या मालूम इनमें से आपने यूज़ किए भी हों। एक तो है वीवा वीडियो। तो वीवा वीडियो जो है ये नया नहीं है, काफ़ी पुराना है और काफ़ी सक्सेसफुल फोटो वीडियो एडिटिंग ऐप है। इसके अंदर ढेरों फिल्टर्स हैं जिसमें आप टेक्स्ट लगा सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं, फोटो के स्लाइड शोज बना सकते हैं, सबटाइटल्स लगा सकते हैं, वीडियो कोलाज बना सकते हैं। तो वीवा वीडियो एक काफ़ी अच्छा ऐप है जो आप स्मार्टफोन की पर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। दूसरा मैं बताऊंगा इनशॉट। इनशॉट जो है इसमें भी ढेरों वीडियो फिल्टर्स आपके दिए गए हैं। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है इनशॉट में कि आप अपने वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो शूट करते वक्त ही चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको IGTV के लिए बनाने हैं या TikTok के लिए वीडियो बनाने हैं तो आप अलग एस्पेक्ट रेशियो में आप शूट करेंगे, अगर आपको YouTube के लिए बनाना है तो आप अलग एस्पेक्ट रेशियो के साथ शूट करेंगे, तो वो एक काफ़ी अच्छा इनशॉट में अच्छा फीचर है। तीसरा जो वीडियो एडिटिंग ऐप मैं बता रहा हूँ वो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, उस ऐप का नाम है क्विक। ये GoPro ने एक्वायर कर दिया था इस ऐप को, और इसकी मदद से आप बहुत ऑसम मॉन्टाजेस बना सकते हैं, बहुत ऑसम आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ढेरों कॉपीराइट फ्री म्यूजिक इसके अंदर पड़ा हुआ है, साउंड इफेक्ट्स हैं, एनिमेशंस हैं, काफ़ी टेम्पलेट्स पड़े हैं जिनमें आप सिर्फ आप उन टेम्पलेट्स को चूज़ कीजिए, वीडियो सिलेक्ट कीजिए,
ओके कीजिए और आपका बहुत खूबसूरत ट्रेलर बन के आपके सामने एक बहुत बढ़िया ऑसम वीडियो बन के आ जाएगा। तो क्विक मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, मैं खुद यूज करता हूँ इस ऐप को। अगला सवाल पूछ रहे हैं जैन खान, और वो ये कह रहे हैं कि भाई विल वी गेट फोन रनिंग फ्रॉम माइंड, दिमाग से चलने वाला फोन। भाई सवाल तो जबरदस्त पूछा है जान, कुछ भी बोला जाए। और देखो आपके सवाल का जवाब मैं ये देता हूं कि साल 2013 से मैंने कई रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि जिसमें सैमसंग माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां जो हैं ये ब्रेन वेव्स की मदद से कैसे डिवाइसेस काम करें, इसके ऊपर कई टेस्ट रन किए जा रहे हैं। अब ये ब्रेन वेव पे काम करने वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है। अब ये स्मार्टफोन में इस्तेमाल में आती हैं या ये ब्रेन वेव पे काम करने वाली चीज़ें या कोई स्मार्ट वॉच या कोई फिटनेस बैंड हो सकता है या ये कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसके ऊपर टेस्ट तो 2013 से चल रहे हैं। इनफैक्ट फेसबुक ने अभी रिसेंटली एक कंपनी को एक्वायर किया जिसका नाम था कंट्रोल लैब्स, CTRL लैब्स। तो कंट्रोल लैब्स का वो कंपनी थी जो इस तरीके से ब्रेन वेव्स पे काम करने वाली कई प्रोटोटाइप डिजाइन कर रही थी कंट्रोल लैब्स। तो जाहिर सी बात है मैंने सैमसंग का नाम आपको गिना दिया, कंट्रोल लैब्स काम कर रही जिसे एक्वायर कर दिया फेसबुक ने, तो फेसबुक भी इस चीज पे काम कर रहा है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसे डिवाइसेस जिसकी मदद से ब्रेन और जो गैजेट है उसके बीच में एक कनेक्शन बिल्डअप हो सके। तो अब ये जो है ये कब तक लॉन्च होगा, ये तो है काम चल रहा है, सूनो लेटर लॉन्च तो हो ही जाएगा, लेकिन ये लॉन्च किस फॉर्म में होगा ये अभी पता नहीं है। ये कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि सबसे पहले देखिए कोई कंपनी किसी भी टेक्नोलॉजी को जब रिसर्च करती है उसके ऊपर प्रोटोटाइप्स बनाती है तो मेन मकसद उसका पैसा कमाना होता है या कोई ऐसी, और पैसा कैसे कमाया जाएगा, अब पहले तो उसका एक प्रैक्टिकल यूज केस ढूंढा जाएगा कि ये चीज इस्तेमाल में कहाँ आ सकती है। जैसा मैं सोचता हूं कि ब्रेन वेव से, क्योंकि देखिए ऊपर वाले की दया से, भगवान की कृपा से हम सब लोगों के हाथ पैर काम कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो शायद हमें इस तरीके के डिवाइस की जरूरत ना पड़े कि आपने सोचा और आपका फोन ऑन हो गया या उसने मैसेज पढ़ के सुना दिया। लेकिन इस दुनिया के अंदर कई लोग ऐसे भी हैं जो इतने खुशकिस्मत नहीं हैं कि जैसे जो हैंडीकैप्ड हैं या जिनको लकवा मारा हुआ है, पैरालिसिस अटैक आ चुका है, स्ट्रोक आया था, हाथ पैर काम करने बंद हो गए, बोलना बंद हो गया, तो ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए टेक्नोलॉजी काफी वरदान की तरह साबित हो सकती है। और इस तरीके की टेक्नोलॉजी की आपका दिमाग के जो सोच रहा है, आपका गैजेट उस तरीके से वो काम कर रहा है, तो ये चीज इस तरीके के पेशेंट्स के लिए, इस तरीके के लोगों के लिए ज्यादा काम की साबित होगी कि जो डेफ ब्लाइंड हैं, डेफ हैं, डम्ब हैं, या जिसे कहा जाए जैसे मैंने बताया पैरालिसिस का अटैक उनको आ चुका है, तो इस तरीके के लोगों के लिए ये ज्यादा यूजफुल टेक्नोलॉजी होगी। और जैसे कि इस पे सैमसंग जैसी कंपनियां काम कर रही हैं, इनफैक्ट इस साल CES में भी सैमसंग ने अपने कुछ एक गैजेट्स दिखाए जिनकी मदद से ना सिर्फ पोस्चर ठीक होता है बल्कि जिन लोगों को चलने फिरने में दिक्कत है वो भी उन गैजेट की मदद से चल सकते हैं। तो ये चीजें क्या हैं, कहीं ना कहीं वो आपके शरीर को, आपके चलने फिरने के ढंग को रिकॉग्नाइज कर रही है और मशीन की मदद से उसे और अच्छे से, वो एक्सोस्केलेटन जो है वो उसको मदद करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ टेक्नोलॉजी आएगी तो ज़रूर, पर स्मार्टफोन के इसमें आती है या किसी चीज़ में आती है, लेकिन इसका मेन इस्तेमाल तो इस तरीके के लोग ही ज़्यादा, मेन प्रैक्टिकल सिनेरियो में काफ़ी अच्छा होगा। और जैन आपने ये जो सवाल पूछा बहुत, मतलब बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, और मैं खुद चाहता हूँ इस तरीके की टेक्नोलॉजी आए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछ रहे हैं न्यू विजन माई वर्ल्ड, कह रहे हैं आई एम पराग, स्मार्ट वॉच कन्फ्यूज बिटवीन अमेजफिट GTS और मी वॉच, मेक वीडियो ऑन यू टेक गुरु दिवाली स्पेशल, लव यू, स्टे कनेक्टेड, लव यू। तो न्यू विजन माई वर्ल्ड, ऋतिक रोशन की पिक्चर आपने थंबनेल के रूप में लगा के रखी हुई है अपने डिस्प्ले पिक की तरह, और आप मुझसे पूछ रहे थे आप अपने फैन का नाम नहीं जानते, आप अपने फैन का नाम नहीं जानते। भाई नाम बताओगे तो याद करेंगे ना, तो आप पता लग गया आपका नाम पराग है, याद रखूंगा मैं आपका नाम पराग है। और जो है आप चाह रहे हैं एक एक करके सवाल का जवाब देते हैं। दिवाली स्पेशल, तो भाई दिवाली स्पेशल तो यार दिवाली के टाइम पर ही बनाएंगे ना, अभी इस वक्त तो जरूरत नहीं है, दिवाली तो अभी दूर है, अभी तो होली आएगी, दिवाली तो साल के एंड में आएगी। दूसरी चीज आपने पूछा कि स्मार्ट वॉच लेनी है अमेज़फिट GTS या मी वॉच, तो पराग यार देखो
मी वॉच का तो अभी कोई अता पता है नहीं कब लॉन्च हो रही है, हो सकता है नोट 9 के साथ लॉन्च हो जाए, और अमेज़फिट जो है वो ऑलरेडी बिक रही है, काफ़ी अच्छी वॉच है, दिखने में सुंदर दिखती है और काफ़ी फीचर्स भी उसके अंदर हैं, और 10-12 हज़ार रुपये तक आ भी जाती है अमेज़फिट। और मी वॉच भी लॉन्च होगी तो वो भी उसका प्राइस रेंज भी ऐसे ही होगा, 9 से लेकर 13-14 हज़ार रुपये के बीच में ही मी वॉच भी लॉन्च होगी। तो मैं तो ये बोलूँगा कि यार मी वॉच का जब अता पता नहीं है तो अमेज़फिट GTS ले लो, ज़्यादा बेटर है। और अगर आपने बजट एक बना के रखा हुआ है तो 13-14 हज़ार रुपये का बजट है और आपको लगता है तो मी वॉच भी लॉन्च हो जाए तो तब ज़्यादा इस सवाल का बेहतर तरीके से जवाब दिया जाएगा, लेकिन आज की तारीख में तो अमेज़फिट GTS। अगला सवाल हिमांशु रोमानी पूछ रहे हैं, अब जब सैमसंग वन प्लस को कम्पीट करने के लिए उसी की रेंज में फ्लैगशिप लॉन्च कर रहा है तो वन प्लस की स्ट्रैटेजी क्या होगी, अब तो 8 Pro को कम दाम में आना पड़ेगा। तो हिमांशु भाई आप एकदम सही पकड़े हैं, ये जो वन प्लस की जो स्ट्रैटेजी है, इन्होंने अच्छे फ़ोन बनाए और पिछले साल तो इन्होंने 50-60 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज में स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए, लेकिन अब सैमसंग चूँकि S10 Lite Note 10 Lite के फॉर्म में एक तरीके से फ्लैगशिप डिवाइस सस्ते दाम में बेचने के इसमें अगर आ गया है वन प्लस सॉरी सैमसंग, तो वन प्लस को भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। अगर वन प्लस 2020 में जब सैमसंग अपने दाम कम करके वन प्लस को सीधे टक्कर दे रहा है, ऐसे अगर वन प्लस अगर 50-60 का अपना प्राइस रेंज पकड़ कर ही चलता है तो वन प्लस के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि वन प्लस ने नो डाउट काफ़ी इज्जत कमाई है, सारी चीज़ें हैं, और जो पिछले साल के रिजल्ट्स आए अभी तक क्वार्टरली रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक वन प्लस जो है काफ़ी तेजी से आगे बढ़ा है और नंबर वन ब्रांड भी बन गया है प्रीमियम सेगमेंट में एप्पल और सैमसंग को हरा कर। तो ऐसे में वन प्लस को कहीं ना कहीं तो अपने प्राइस करेक्शन करना पड़ेगा। वन प्लस 8 Pro का प्राइस उसे किसी भी तरह से इतना रखना पड़ेगा कि वो सैमसंग की टक्कर में हो। हालांकि जो सैमसंग का जो गैलेक्सी S20 लॉन्च होगा उसकी कीमत तो भारी भरकम सैमसंग रखेगा ही रखेगा, तो उसकी क्या कीमत रहती है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा असर इस पर पड़ेगा कि 8 Pro जो लॉन्च होता है वन प्लस का डिवाइस अप्रैल के आसपास जो लॉन्च होगा उसकी क्या कीमत होगी। तो ये हिमांशु हमें चेक करना पड़ेगा कि S20 किस प्राइस पर इंडियन मार्केट में लॉन्च होता है, क्योंकि उसी के हिसाब से 8 Pro का प्राइस होगा उससे थोड़ा कम, और जिस प्राइस के ऊपर 8 लॉन्च होगा तो ये मान के चलें कि 8 को अगर इनको बिकवाना है तो उसको प्राइस वन प्लस सैमसंग गैलेक्सी S10 Lite और Note 10 Lite के हिसाब का ही वन प्लस 8 का प्राइस इनको उसके आसपास ही रखना पड़ेगा, तभी फायदा होगा इनको। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं जो पूछा है विवेक कुमार ने, और विवेक कुमार पूछ रहे हैं कि नैनो सेल टीवी क्या होता है, और इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि मोबाइल के अंदर QLED डिस्प्ले क्यों नहीं होता। तो सबसे पहले तो विवेक आपके पहले पार्ट वन का जवाब देते हैं कि नैनो सेल टीवी दरअसल होता क्या है। देखिए नैनो सेल जो है ये टेक्नोलॉजी दरअसल LG की है, LG के नैनो सेल टीवी आते हैं, नैनो सेल टेक्नोलॉजी पर चलने वाले टीवी। इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि 1 नैनोमीटर के डायमीटर के जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं उसकी मदद से डिस्प्ले बनाया जाता है, जिससे वो डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइटनेस अपने अंदर समेटे रहता है। तो इसका फ़ायदा रियल लाइफ में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल LG का नैनो सेल डिस्प्ले का टीवी मैंने पिछले साल इस्तेमाल किया था, और उस टीवी की अच्छी चीज़ यह है कि जैसे जो मेरा लिविंग रूम है मेरे घर में, उस लिविंग रूम में जस्ट पीछे मतलब मेरी पीठ के पीछे जहाँ पर रिफ्लेक्शन, सपोज़ ये टीवी है, जहाँ ये कैमरा है, जहाँ आप मुझे देख पा रहे हैं, आपके सामने नज़रों के सामने टीवी है, उसके पीछे कोई बड़ी सी विंडो है जिसके ऊपर से रिफ्लेक्शन आता है जब आप दिन के वक्त टीवी देख रहे हैं या कभी देख रहे हैं, तो लाइट काफ़ी टीवी के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, तो ऐसे में बड़ा तकलीफ होती है, अरे रिफ्लेक्शन कहाँ से आ रहा है। तो नैनो सेल टीवी क्या होता है कि अगर पीछे आपका काफ़ी ब्राइट रूम है, रोशनी बहुत आती है आपके टीवी के ऊपर पड़ती है रोशनी, रूम के अंदर काफ़ी ब्राइटनेस है जिसके कारण से टीवी के रंग कॉन्ट्रास्ट ये सब दब जाता है, तो नैनो सेल टीवी इस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि एक नैनोमीटर के डायमीटर के ऊपर आपको पिक्सल्स इतने कंप्रेस करके उसमें फिट किए जाते हैं, तो उससे उसका ज़्यादा बेटर हो जाती है पिक्चर क्वालिटी अगर रूम ब्राइट है तो भी।
नैनो सेल टेक्नोलॉजी की एक खासियत एक ये होती है कि क्योंकि आईपीएस डिस्प्ले जो उसके ऊपर डिज़ाइन किया जाता है नैनो सेल डिस्प्ले, तो उसके ऊपर व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं, ब्राइटनेस ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो ये खासियत होती है नैनो सेल टेक्नोलॉजी पर चलने वाले टीवीज़ की। अब आपके सवाल के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं कि मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके एमोलेड डिस्प्ले होते हैं, सुपर एमोलेड डिस्प्ले होते हैं, लेकिन QLED डिस्प्ले जो क्वांटम LED वाले हैं वो दरअसल मोबाइल फ़ोन पर क्यों नहीं दिए जाते? तो विवेक, ऐसा कुछ है नहीं कि QLED डिस्प्ले जो हैं वो स्मार्टफोन में इस्तेमाल नहीं हो सकते या टैबलेट्स में इस्तेमाल नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, ये पोर्टेबल स्क्रीन्स के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी हिंड्रेंस ये है कि नॉर्मली आपके स्मार्टफोन के ऊपर प्रेफर किया जाता है OLED डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले, जो ऑर्गेनिक LED होता है, क्योंकि वो काफ़ी स्लिम होते हैं, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी होती है उन डिस्प्लेस की। QLED जो है, ये क्वांटम LED डिस्प्ले है, इसके ऊपर क्वांटम डॉट्स की एक लेयर लगा दी जाती है आपके नॉर्मल LED स्क्रीन के ऊपर। तो क्वांटम डॉट्स की ये लेयर एक एक्स्ट्रा और एक लेयर लग जाती है। अब चूंकि आपका जो स्मार्टफोन है या कोई भी स्मार्ट डिवाइस है, जो पोर्टेबल डिवाइस है, उसके अंदर आपकी एक तो आपकी स्क्रीन लगी हुई है LED स्क्रीन, उस LED स्क्रीन के ऊपर फिर टच सेंसर की एक फिल्म चढ़ती है, फिर टच सेंसर के ऊपर आपका प्रोटेक्शन ग्लास लगा होता है, वो कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास हो सकता है या कोई और किसी कंपनी का प्रोटेक्शन लेयर लगाई जा सकती है, या प्लास्टिक की लेयर, जैसे आपको गैलेक्सी फोल्ड के अंदर चूंकि ग्लास नहीं लगाया हुआ है तो उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव प्लास्टिक की लेयर ऊपर से चढ़ाई हुई है। अब अगर QLED डिस्प्ले अगर स्मार्टफोन के अंदर देना है तो इसमें एक और लेयर आप ऐड कर लीजिए क्वांटम डॉट्स की, तो वो बेफिजूल आपके जो स्मार्टफोन को थोड़ा और स्क्रीन का जो पोर्शन है उसका, उसे थोड़ा और मोटा ही बनाएगा, थोड़ा और उसके ऊपर एक्स्ट्रा काम ही बढ़ेगा और फायदा वायदा कुछ होने वाला उससे, मतलब जिसे कहा जाए कॉन्ट्रास्ट में फर्क पड़ेगा, QLED थोड़ी जिसे कहा जाए लेकिन बिन मतलब के बल्कि हो जाता है। तो इन केस QLED डिस्प्ले आपको शायद कुछ यूज़ के सिनेरियो में अगर आपको देखने को मिले कि जहाँ पर गेमिंग स्मार्टफोन्स हैं फॉर एग्जांपल, जहाँ पर आपको भारी फ़ोन भी अगर होता है, बल्कि फ़ोन भी होता है तो चल जाता है लेकिन स्क्रीन अच्छी होनी चाहिए, तो शायद QLED डिस्प्ले आपको गेमिंग स्मार्टफोन्स, चूँकि अब एक अलग एक कैटेगरी बन गया है, तो वहाँ शायद आपको बड़े काम में आ सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री जो है QLED के ऊपर OLED हमेशा इसीलिए प्रेफर करती है क्योंकि एक्स्ट्रा लेयर नहीं लगानी पड़ती। तो चलिए, ये तो था इस हफ्ते का टेक दरबार एपिसोड नंबर जो भी है। तो आप कैसा लगा आपको ये बताइए आप मुझे बिल्कुल, और अच्छा बुरा जो भी है कमेंट्स बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी अगले एपिसोड के लिए जो भी आपको सवाल पूछने हैं सवाल पूछिए, बस आगे पीछे कहीं भी लगा दीजिए #अपना टेक गुरु, जिससे मुझे आपके सवाल पिक करने में होगी आसानी, और मैं अगले हफ्ते फिर आपसे मिलता हूं नया टेक दरबार का एपिसोड लेके। तो फिर स्टे कनेक्टेड, या फिर मिलते हैं बाजू वाले वीडियो में।